अक्सर कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों का करियर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, चाहे वह अभिनेत्री कितनी भी पॉपुलर क्यों ना हो। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया है कि उनका स्टारडम खत्म होता हुआ देखा गया है। बॉलीवुड के इतिहास में कई एक्ट्रेस ऐसी आ चुकी हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है, अपनी खूबसूरती और अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए दर्शकों को लंबे समय तक एंटरटेन किया है, लेकिन बाद में लाइमलाइट से दूर होती हुई नजर है। Well, दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और हॉट एंड खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपनी बोल्डनेस के जरिए बॉलीवुड के गलियारों में धमाल मचाकर रख दिया। फिल्मी पर्दे पर जब भी देखी गई हैं ये हसीना तो अपनी बोल्डनेस के चलते काफी सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी के बारे में। जी हाँ, उदिता गोस्वामी जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी अपनी बोल्डनेस के जरिए। उदिता गोस्वामी ने अक्सर पाप और जहर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अपने करियर के चरम पर रही उदिता गोस्वामी लेकिन बाद में बॉलीवुड से गायब हो गई। आज के समय में उदिता गोस्वामी कैसी हैं, क्या कर रही हैं, ये बात करेंगे आज हम हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल साल 2003 में उदिता गोस्वामी ने फिल्म पाप के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था और इस फिल्म में बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार जॉन अब्राहम उनके अपोजिट नजर थे। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई लेकिन उदिता अपने बोल्डनेस के चलते काफी सुर्खियों में आ गई और इस फिल्म के बाद उदिता गोस्वामी ने कई फिल्मों में काम किया। उदिता गोस्वामी नजर आई फिल्म जहर में और इस फिल्म में फेमस एक्टर इमरान हाशमी के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की। ऐसे में देखा जाए तो उदिता ने एक बार फिर से अपनी बोल्डनेस के जरिए काफ़ी सुर्खियां बटोर ली, लेकिन बाद में उदिता ने कुछ ही फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री से दूर होती हुई नजर आई। बताना चाहेंगे आप सभी को कि महज 16 साल की उम्र में उदिता गोस्वामी एक फैशन इंस्टीट्यूट के लिए रैंप वॉक कर चुकी हैं और बाद में उन्होंने मॉडलिंग में अपने करियर की शुरुआत की और फिर उदिता गोस्वामी पहुंची दिल्ली और दिल्ली से पहुंच गई मुंबई और फिर क्या था, इसके बाद उदिता गोस्वामी ने कई विज्ञापन भी शूट किए। पेप्सी और टाइटन के विज्ञापन में नजर आ चुकी हैं उदिता गोस्वामी। उदिता गोस्वामी ने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों में काम किया लेकिन उदिता गोस्वामी को वो सफलता हासिल नहीं हो पाई और निराश होकर उदिता फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। उदिता गोस्वामी साल 2013 में शादी के बंधन में बंध गई अपने बॉयफ्रेंड मोहित सूरी के साथ। जी हां, दोनों के बीच साल 2005 में फिल्म जहर की शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। साल 2005 में फिल्म जहर की शूटिंग के दौरान और आज के समय में उदिता और मोहित सूरी एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। जी हां दोस्तों, उदिता गोस्वामी के दो बच्चे हैं, बेटा है और एक बेटी है। उदिता गोस्वामी आज के समय में हाउसवाइफ के तौर पर जिंदगी बिता रही हैं, दोनों बच्चों की देखभाल कर रही हैं। वहीं उदिता गोस्वामी के पति मोहित सूरी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। जी हां, इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं मोहित सूरी और मोहित सूरी के साथ उदिता गोस्वामी काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। वेल दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा उदिता गोस्वामी के बारे में जानकर आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।